चलिए आज हम बात करेंगे मिल्क रिसेप्शन ऑपरेशन। जब हम किसी डेयरी में मिल्क को रिसीव करते हैं तो कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन से एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेशन होती हैं और कौन क्या क्या कार्य हमें करने पड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। हैंडलिंग ऑफ द मिल्क इन साइड द प्लांट की एलिमेंट ऑफ द मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी एंड ऑन अराइवल ऑफ द मिल्क इज ग्रेडेड, एक्सेप्टेंस, इजेक्शन, वेटेड, सैम्पल्ड फॉर टेस्टिंग, कूल्ड एंड स्टोरेज अंडर द रेफ्रिजरेशन अंटिल द नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन इज प्रिलिमिनरली प्रोसेसिंग इन द डेयरी प्लांट। तो जो मिल्क की हैंडलिंग है वो बेसिकली क्या करती है, मिल्क की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मिल्क क्वालिटी है, बैक्टीरियल लोड है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं तो उन सब में हम उसे कम कर सकते हैं। अब जब मिल्क आता है हमारी डेयरी में, किसी भी डेयरी में, तो सबसे पहले हम उसे ग्रेड करते हैं कुछ एक्सेप्टेंस, कुछ पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि ऑर्गेनोलैप्टिक टेस्टिंग, उसमें स्मेल करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, उसे बहुत सारे प्रोसीजर्स लैब टेस्टिंग्स के लिए। फिर उसके बाद हम उसे वेट करते हैं, सैंपल्स लेते हैं टेस्टिंग के लिए और कूल करके फिर उसे स्टोर कर देते हैं डेयरी में, ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन में उसे काम करने को भेजा जा सके। देन द ऑपरेशन ऑफ द रिसीविंग मिल्क मे बी सब डिवाइडेड इन टू अनलोडिंग, वेइंग, सैम्पलिंग, ग्रेडिंग एंड टेस्टिंग। जो ऑपरेशन है रिसीविंग ऑफ मिल्क का, उसे हम बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अनलोडिंग, मिल्क को कैसे उतारा जाता है। जैसे मिल्क रिसेप्शन कई तरीके से होता है, जैसे डेयरीज में कई बार कैन से भी होता है, मिल्क टैंकर से भी होता है। तो कैन से बेसिकली मैनुअली हम यूज़ करते हैं, कैंस को बेसिकली मैनुअली उतार कर रख देते हैं प्लेटफॉर्म RMRD डॉक पर। एंड जब मिल्क टैंकर्स के थ्रू आता है तो उसे हम देखते हैं कि हॉस पाइप और कनेक्शंस करके इन सारे को सारे डायरेक्टली हम स्टोरेज टैंक और साइलोज में भेज देते हैं आफ्टर ग्रेडिंग के बाद। देन अनलोडिंग के बाद आता है वेइंग करना, उस मिल्क को पूरा वे करना कि कितना वेइंग था, एंड देन सैम्पलिंग फॉर द टेस्टिंग कि आप अलग अलग टेस्टिंग के लिए कौन कौन से सैंपल ले रहे हैं, उसके कितने सैंपल्स ले रहे हैं, एंड ग्रेडिंग एंड टेस्टिंग। Then unloading. The truck is carrying the filled cans throughout the along this side, unloading the platform. The milk cans are then unloaded manually. देखो जो unloading में क्या होता है, जो milk can आती हैं उसे हम manually करते हैं, manually low जो persons होते हैं या फिर milk receptions करने वाले होते हैं, जो labourer होती है वो manually अपने हाथों से उसको उतार के रखती है। The milk cans are then assembled for the grading and the definite order according to the each supplier. तो वहाँ क्या होता है, जब उतारी जाती हैं तो वो एक ऑर्डर में लगा दी जाती हैं, एक लाइन में लगा दी जाती हैं कि किस किस सप्लायर के थ्रू उसे भेजा गया है, ताकि हम उसी सप्लायर के हिसाब से उसको ग्रेड कर सकें कि कहाँ का मिल्क सही है, कहाँ का ख़राब है। देन इफ द मिल्क टैंकर इज यूज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द सो द पाइप फिटिंग कनेक्शन कैन बी मेड कन्वीनियंटली इन द मिल्क टैंकर दे। तो यहाँ क्या करते हैं, हम जब टैंकर्स के थ्रू मिल्क हम रिसीव करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हॉस पाइप कनेक्ट कर देते हैं ताकि और हम मिल्क को दूसरे टैंक में स्टोर कर सकें। देन आता है टैंक रिसेप्शन, टैंक अराइवल इन द एट द डेयरी द ड्राइव स्ट्रेट इन टू द रिसेप्शन हॉल ऑफ इन द लार्ज इनफ टू द अकोमोडेट सेवरल व्हीकल्स। द मिल्क इज मीजर्ड आइदर बाय द वॉल्यूम और बाय द वेट। तो जो मिल्क टैंकर्स में जो वेट आता है कि उसे हम कैसे भी वेट कर सकते हैं, जैसे कि आप वेट के थ्रू ले सकते हैं, लीटर्स में ले सकते हैं, एज़ यू कैन सी इन द फिगर, जैसा कि आप फिगर्स में देख सकते हैं कि एक पाइप कनेक्शन कर दिया जाता है एक मैनुअली एक पर्सन के थ्रू और डायरेक्टली हम स्टोरेज टैंक में उसे कर देते हैं। एंड जो सेकेंड फिगर है वो ये बता रहा है, जब वेइंग करते हैं हम मिल्क का या फिर लिक्विड कितना वेट है उस मिल्क का, उस टैंकर का, और खाली करने के बाद कितना टैंक है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को किया जाता है। देन ग्रेडिंग इट इज़ वेल नोन इज द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट डिपेंड ऑन अपॉन दैट द रॉ मटेरियल यूज। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी फॉर प्राइस फिक्सेशन। तो जो ग्रेडिंग है वो बेसिकली फिनिश्ड प्रोडक्ट की जाती है, लेकिन यहाँ मिल्क के मामले में हम क्या करते हैं, रॉ मिल्क को हम यूज़ करते हैं। और जो जो हम मिल्क को टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली हम इस वजह से टेस्ट करते हैं ताकि उसका प्राइस का फिक्सेशन होता। मिल्क ग्रेडर इज़ अ की मैन ऑफ द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मिल्क। तो जो मेन जो ग्रेडर होता है, जो मिल्क को टेस्टिंग करने वाला जो पर्सन होता है, वो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन होता है। तो वो क्या करता है,
कि इसको मिल्क सिलेक्शन में कहता है कितना अमाउंट देना है कितना था। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनोलैप्टिक सेंसरी टेस्ट सच एज दोज फॉर द अपेयरेंस स्मेल ऑर्डर द टेस्ट एसिडिटी सेडिमेंट एंड एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर द प्लेटफॉर्म टेस्ट। तो फर्स्ट जब मिल्क रिसीव होता है तो हम ऑर्गेनोलैप्टिक टेस्ट करते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले मिल्क को हम उसे ओपन करके विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं मिल्क में कोई कोई गंदगी या कुछ और पदार्थ, तो फिर उसे स्मेल करके देखते हैं कि नेचुरल स्मेल एरोमा आ रहा है कि नहीं, उसका एकदम फ्रेग्रेंट अच्छा है कि नहीं, फिर उसे टेस्ट करके देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें कोई खट्टापन या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है या फिर कोई अडल्ट्रेशंस तो नहीं मिलाया गया है जो ताकि मिल्क को पास करने के लिए। फिर इसके बाद लैब में क्या करते हैं हम, एसिडिटी और सेडिमेंटेशन टेस्ट को हम गंदगी को पता करने के लिए करते हैं कि उस मिल्क में कोई गंदगी तो नहीं है, फिजिकल पार्ट्स तो नहीं आ गए, ठीक है। देन उसके बाद हम एसिडिटी और पीएच, एसिडिटी बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए खट्टा तो नहीं हो गया है मिल्क, उसके लिए हम चेक करते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रखा हुआ है ताकि उसकी एसिडिटी बढ़ गई हो। सेकेंड ऑपरेशन जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म टेस्ट, अपियरेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ द ईच कैन ऑफ यू मे बी फ्लोटिंग एक्सोनेट्स मैटर ऑफ कलर पार्शली चर्न मिल्क, द मिल्क शुड बी नॉर्मल इन द कलर फ्री फ्रॉम चर्न इन द फैट ग्लोबल्स एंड रीजनेबली फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग एक्सटर्नियस मटेरियल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अपियरेंस में कि बेसिकली हम देखते हैं उसका कलर नॉर्मल है कि नहीं, पार्शली चर्न, कोई अलग से फैट पार्टिकल्स तो नहीं डाले गए हैं, या फिर और बहुत सारे चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं, स्मेल एंड द ऑर्डर। तो इसमें क्या कहते हैं, दिस फर्निस एज एक्सीलेंस इंडिकेशन ऑफ द ऑर्गेनोलैप्टिक क्वालिटी ऑफ द मिल्क दैट कैन बी एक्सीलेट क्विकली इन अ सेकेंड इन मेकिंग द टेस्ट। द कवर ऑफ ईच कैन बी रिमूव्ड इन्वर्टेड एंड द रेज टू द नोज, द हैंड स्पेस in the milk can be small by the replacing the lid and the shaking the can as a vigorously, the test may be repeated and the experienced milk grader with a trained nose. तो यहाँ क्या होता है, basically smell करने के लिए हमें बहुत ही experienced person की जरूरत पड़ती है जो कि सिर्फ milk को smell करने से ही बता सके उसमें natural fragrance है कि नहीं, natural smell आ रहा है कि नहीं आ रहा है। An experienced milk grader with the trained nose decided to the expectations and rejection of the milk. जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन होता है या ग्रेडर होता है वो क्या डिसाइड करता है कि आपका मिल्क एक्सेप्टेंस होना चाहिए या फिर रिजेक्शन होना चाहिए। द टेम्परेचर आफ्टर द बिफोर रिसीविंग, हम क्या करते हैं सबसे पहले उस मिल्क का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, कि उस टेम्परेचर बहुत की रोल प्ले करता है कि मिल्क की एसिडिटी बढ़ने में और पीएच बढ़ाने में। जैसे द मिल्क इज मिल्क टेम्परेचर विच मिल्क इज ड्राइव फ्रॉम ऑफन एन इंडिकेशन ऑफ इट्स क्वालिटी, अ डेली चेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इज हेल्पफुल टू कीपिंग द चेक ऑन क्वालिटी ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिल्क की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमें मिल्क को एक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है ताकि मिल्क की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, द सेडिमेंटेशन टेस्ट शोज द विजुअल फॉरेन मैटर कंटेंट इन द मिल्क, इट नीडेड नॉट बाय द मेड डेरी बट शुड बी कैरिड आउट ऑफन। तो ये सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं आ गया, फिजिकल मटेरियल तो नहीं आ गया, ये उसके लिए किया जाता है कि हमारा कोई फिजिकल मटेरियल दूध में मिलावट तो नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट वन इज एसिडिटी के नेचुरल एंड अपीयरेंस, एसिडिटी ऑफ द मिल्क इज डिजायरेबल विच डज नॉट एडवाइजरेबल इफेक्ट इन द हीट स्टेबिलिटी। एसिडिटी को हम क्यों करते हैं बेसिकली कि हम इससे ये पता कर सकें उस मिल्क को कितने टाइम रखा गया है, ठीक है। तो एसिडिटी के अंदर डेवलप एसिडिटी क्या करती है, नेचुरल एंड डेवलप इज इक्वल टू एडवाइजरेबल एसिडिटी। ये क्या करती है कि जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका मिल्क रखा जाएगा उतना ही ये एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी लगातार, ठीक है।
तो इसी वजह से हम एसिडिटी को टेस्ट करते हैं कि कितना लॉन्ग टाइम तक अगर ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रखा गया है ताकि इसकी एसिडिटी रेज हो गई है। लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर द एडिशन ऑफ द वाटर मिल्क रिजल्टिंग द लोअरिंग द इट्स डेंसिटी। जब मिल्क में कोई वाटर को ऐड करता है तो उसकी डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाती है, तो इस हम लैक्टोमीटर रीडिंग टेस्ट को अप्लाई करते हैं ताकि हमें अडल्ट्रेशन का पता चल सके कि उसमें पानी तो नहीं मिलाया गया है। जैसे द रीडिंग ऑफ द काउ एंड बफेलो मिल्क शुड बी अबाउट 28 to 30 एंड द 30 to 30 रेस्पेक्टिवली व्हेन द मेजर्ड इज 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर जो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपका काउ या बफेलो मिल्क मिला टेस्ट किया जाता है तो उसकी रीडिंग 28 से 30 तक आती है काउ मिल्क की एंड 30 से 32 आती है बफेलो मिल्क की। अगर इससे ऊपर जाता है, अगर वो 28 से कम जाता है तो उसमें अडल्ट्रेशन है, और तो हम मान सकते हैं इसमें पानी को मिलाया गया है। वेइंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसीविंग वेइंग, मतलब यहाँ अलग अलग तरीके से वेइंग किया जाता है। फर्स्ट जब हम क्या करते हैं, जब हमारा मिल्क कैन से रिसीव होता है, कैन से रिसीव होने पर क्या करते हैं हम लोग कि उन कैंस को डंप टैंक में पलट देते हैं और उस टैंक का डायरेक्टली हम वेट कर सकते हैं मैनुअली। इट इज़ नॉट टिपिकल टू टेक वेट, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप किसी भी रिसेप्शन या चिलिंग सेंटर पे जाएंगे मिल्क की कैन लेकर, उसमें वो अपना वेट जैसे ही पोर करेंगे अपने मिल्क को डंप करते हैं तो अपने आप ही वो मीटर उसका वेट बता देता है। देन अगर हम बात कर रहे हैं रिसेप्शन ऑफ मिल्क बाय द टैंकर्स कि अगर आपका मिल्क टैंकर्स के थ्रू आता है तो हम एक दूसरी टेक्निक को डिवाइड करते हैं। पहले हम फुल्ली लोडेड टैंक का वेट करते हैं और उसके बाद हम जब उसको पूरा खाली कर देते हैं डेरी में तब उसका एम्प्टी का टैंक एम्प्टी टैंकर का वेट ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों अलग अलग वेट आ जाते हैं और उसको माइनस करके हम क्वांटिटी को बता सकते हैं कि इस टैंकर में कितना उसमें मिल्क था, मिल्क अवेलेबल था। टेस्टिंग, जो फर्दर टेस्टिंग होती है कि आपको क्या क्या चीज टेस्टिंग आफ्टर रिसीविंग द मिल्क इन द डेयरी प्लांट, जैसे कि आपने डेयरी प्लांट में रिसीव कर लिया उसके बाद क्या क्या टेस्टिंग होती है। जैसे टेस्टिंग ऑफ इज नीडेड इन केस डाउटफुली क्वालिटी प्रायोरिटी एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोसेसिंग द क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी और डेयरी प्लांट परफॉर्म द रिक्वेस्ट। जैसे सी ओ बी है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, ये हम इसलिए चेक करते हैं कि उसमें एसिडिटी की मात्रा तो नहीं ज़्यादा है या फिर एल्कोहलिक कुछ और सब्सटेंस तो नहीं मिलाए गए। एल्कोहल टेस्ट इस वजह से चेक करते हैं ताकि इसमें कितना टाइम हो गया रखे हुए, टाइट्रेबल एसिडिटी, इसकी लॉन्ग लाइफ को पता करने के लिए कितना टाइम हो गया है एसिडिटी रेज हुए, या फिर इसमें कितना टाइम का मिल्क है कि इसमें एसिडिटी रेज हो रही है। फैट एंड एस एन एफ, ये बेसिकली हम इस वजह से करते हैं कि ताकि इसके बेसिस फैट और एस एन एफ के बेसिस पर हम किसी फार्मर को पेमेंट दे सकते हैं। और बेसिकली अगर हम इंडियन कंडीशन पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आप फैट और एस एन एफ के ही बेसिस पे